नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर गोपागंज ब्लॉक का कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक संगठन सृजन अभियान के तहत गोपागंज ब्लॉक के सभी कार्यकर्ताओं की बैठक जेडी पब्लिक स्कूल पर स्वामीनाथ राय के अध्यक्षता में संपन्न हुई। इसमें प्रमुख रूप से विधानसभा प्रभारी जिला महासचिव कुंवर श्याम नारायण सिंह, प्रभारी जिला सचिव विनोद कुमार, जिला महासचिव ब्रह्मानंद पांडे, जिला महासचिव नजीर अहमद, जिला सचिव शिवाजी कनौजिया, मीडिया प्रभारी अक्रम प्रीमियम, जिला सचिव निसार अहमद, जिला सचिव बलजीत चौहान, मुस्ताक अली मंसूरी, गौरव कुमार राय, रामचंद्र राय, रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, कमला राय, त्रिभुवन भारती, अशोक कुमार, विजय भारती, चंदन चौबे, दब्बू पांडे, शिवाकांत सिंह, रत्नेश राय, ब्रिजेश राय, आफ्ताब आलम, राम बच्चन यादव, सुखराम यादव, सिंहासन ओम प्रकाश गुप्ता, अनिल रियाज आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। ये संगठन को प्रभावी रूप देने के लिए, संगठन को सृजन के रूप में ये कार्यक्रम हर ब्लॉक, हर नगर पंचायत में खुली बैठक की जा रही है। अब जो हम लोगों की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो हम प्रभारी हैं, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राष्ट्रीय महासचिव के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के हमारे अध्यक्ष लल्लू अजय कुमार लल्लू जी के निर्देशों पर ये तय हो रहा है कि विगत बहुत दिनों से कांग्रेस में पदाधिकारी कागज में बना दिए जाते थे या घर से बना दिए जाते थे। इसलिए कि मुझे आज भी एहसास होता है कि कभी कभी लोग फ़ोन करते हैं तो कहते हैं कि नहीं अध्यक्ष जी, आप जो चाहेंगे वही होगा। लेकिन यकीन जानिए, मैं सबके सामने ये कहने जा रहा हूँ कि जो प्रदेश में मीटिंगें हुई उस आधार पर तीन तीन नाम, इसलिए प्रस्तावित हर नामों के साथ तीन नाम मांगे जा रहे हैं। हम भी जब अध्यक्ष बने हैं तो हमारे पीछे भी कांग्रेस की बी टीम ऐसी है कि शायद इसी में वो भी कोई बैठे होंगे या बाहर कहीं ना कहीं होंगे। ये रिपोर्टिंग जा रही होगी कि कोपा ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, कौन लोग आए, कौन लोग नहीं आए। और हम कह दें कि कमला भाई, हमारे बड़े भाई, बहुत पहले भी हमारे पूर्व ब्लॉक के अध्यक्ष भी रहे हैं उस समय और आज में, स्थिति ये है कि ये बताया जाएगा कि मैं अगर इग्नोर करता हूँ कि हमारे कमला भाई जी काम नहीं करते या हमने नाम भूल गए अगर, तो प्रदेश से फोन आ जाएगा कि उस मीटिंग में तो कमला जी थे, आपने उनका नाम भेजा नहीं। अब सोच लीजिए कि प्रियंका गांधी जी की टीम जो अंदर से काम कर रही है, कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर वो है कि निष्पक्ष तौर पे चयन हो, नाम प्रस्तावित हो, और वो ऊपर के लोग फिर छानबीन समिति आएगी, उनका अपना एक जो भी उनका तरीका है वो चुनेंगे, उनमें से एक नाम आएगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि तीन नाम प्रस्तावित में वो हैं, और जो नहीं आते हैं तो संगठन में कहीं ना कहीं उनको उपाध्यक्ष है, महासचिव है, सचिव है। संगठन एक बृहद रूप होता है, हमें नए पंचायत से लेकर, हमें ग्राम से लेकर, हमें वार्ड तक जाना है, बूथ तक जाना है। इसके लिए पद बहुत है, फ्रंटल संगठन भी तमाम है। हमारे हर कांग्रेसी मन बनाकर जिस तरह से हमारे बीजेपी में लोग, पूर्व से मैं देख रहा हूं कि अमित शाह और मोदी शाह या योगी जी के नाम पर लोग खड़े हैं, तो कांग्रेस अब श्री प्रियंका और राहुल और सोनिया के नाम पर, प्रदेश के नेतृत्व अजय कुमार लल्लू के नाम पर ये कांग्रेस बनेगी। ये कांग्रेस